हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशु। एसक्यूएल सीरीज़ में आज हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कर्सर्स? से कर्सर इज टेम्प्ररी मेमोरी और टेम्प्ररी वर्क स्टेशन, यू कैन से। इट इज एलोकेटेड बाय द डेटाबेस सर्वर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग DML कमांड, DML ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, ऑन द टेबल बाय द यूजर। कर्सर्स आर डेटा यूज टू स्टोर डेटाबेस टेबल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्सर, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कर्सर्स वो होते हैं जो सर्वर खुद ही बनाता है, लाइक इफ यूजर इज परफॉर्मिंग DML ऑपरेशंस आर डिफॉल्ट कर्सर्स विच SQL सर्वर बेसिकली एलोकेटेड बाई द SQL सर्वर वेन द यूजर परफॉर्म DML कमांड। लाइक तुम इंसर्ट कर रहे थे एंड 10 रिकॉर्ड्स पहले से थे तो अगला रिकॉर्ड 11th पे आता है। देन एक्सप्लिसिट कर्सर्स आर क्रिएटेड बाई यूजर्स वैन द यूजर रिक्वायर देम, एंड एक्सप्लिसिट कर्सर आर यूज फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम द टेबल रो बाई रो मैनर। एंड आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन पे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आर मेनली ऑफ टू पर्पसेस, एलिमिनेटिंग द रिडंडेंसी यूजलेस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड इंश्योरिंग डेटा डिपेंडेंसीज मेक सेंस, दैट इज डेटा इज लॉजिकली स्टोर्ड। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ए रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एटॉमिक वैल्यू। इट स्टेट्स दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय के पास दो फोन नंबर है। यू कैन रीड इट आउट इफ बाय पॉजिंग द वीडियो। एक एम्प्लॉय के पास दो फोन नंबर हैं, ठीक है, दो फोन नंबर हैं, तो इस तरह का कुछ हो सकता है। जॉन के पास दो फोन नंबर थे, तो वी रिपीटेड द डेटा ऑफ जॉन विथ टू नंबर्स, राइट। तो फर्स्ट नॉर्मल, इसी तरह से हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक प्रोफेसर जॉर्ज टीचेस टू सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए दो सब्जेक्ट के साथ प्रोफेसर जॉर्ज को लिखेंगे। देन उसी तरह से एकॉन टीचर्स OS एंड CN, एंड सीकॉन टीचर्स जावा सपोज। सो वी विल रिपीट द डेटा ऑफ एकॉन विथ टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, द रिलेशन मस्ट बी इन 1NF। 1NF वाली चीज़ को तुम 2NF में कर सकते हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हो। इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अब देखो, प्राइमरी की एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑल एट्रीब्यूट विल फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो अभी कुछ बात करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। सपोज एक टीचर है, टीचर टेबल है, एक टीचर दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। तो वन टीचर सपोज OS भी पढ़ा रहा था, वन टीचर CN भी पढ़ा रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ID स्टोर कर लेंगे एंड दिस विल बी द प्राइमरी की ऑफ सेकेंड टेबल। सपोज फर्स्ट टीचर इज यहाँ पे सब्जेक्ट ID एंड यहाँ टीचर ID, ठीक है, एंड विथ टीचर नेम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है सपोज जॉर्ज एंड वो सब्जेक्ट आईडी 1 पढ़ाता है। अब 1 सब्जेक्ट आईडी, या फिर यहाँ से सब्जेक्ट आईडी हटा देते हैं, हम कुछ इस टाइप का रिलेशन बना रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स रिलेशन होगा ना, एक सब्जेक्ट्स रिलेशन होगा जहाँ पे टीचर आईडी विल बी ए फॉरेन की, ठीक है। सब्जेक्ट्स रिलेशन में टीचर आईडी होगा, ठीक है। इस टीचर आई सपोज 1 है एंड ये वन टीचर सपोज OS पढ़ा रहा है, CN पढ़ा रहा है, DBMS भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो डैट कैन बी रिटर्न। तो हम इस तरह से कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल सपोज केमिस्ट्री टीचर की एज है 30, बायोलॉजी टीचर की एज है 30, इंग्लिश टीचर की एज है 30। तो हम क्या कर सकते हैं, ID 25 की एज है 30, ID 47 की एज है 35। इसकी देखो 83 केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, 83 मैथ्स भी पढ़ा रहा है, 25 केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीचर आईडी को अलग जगह स्टोर कर लिया एंड टीचर आईडी के साथ एज को अलग जगह स्टोर कर लिया, एक ही टेबल में ना रख के। तो इससे रिडंडेंसी कम होती है, राइट। देन हम बात करें थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कम्स फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो
इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम क्या करते हैं कि सपोज एक डिपेंडेंसी और होती, सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स होते, ठीक है, तो इसको भी रिड्यूस करते। तो फर्स्ट एनएफ वाली चीज़ें, नॉर्मल फॉर्म वाली चीज़ें 2NF में जाएंगी, थर्ड एनएफ वाली चीज़ें 2NF वाली चीज़ें 3NF में जाएंगी, एंड इस तरह से हम अगर सारे नॉर्मल फॉर्म हटा लेते हैं तो BCNF में जाएंगी, ठीक है। BCNF इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन बॉयस कोड, एंड बॉयस कोड कॉइन्ड द टर्म नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, सो नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली रिमूविंग द रिडंडेंसी एंड मेकिंग द डेटाबेस मोर लॉजिकली डिपेंडेंट विद द डेटा। बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म रिमूविंग अप टू द लार्ज रिमूविंग द रिडंडेंसी इन द टेबल इन द डेटा ऑफ द टेबल्स अप टू लार्ज एक्सटेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नॉर्मलाइजेशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कॉमेंट डेट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। ड्रॉप एंड ट्रंकेट का डिफरेंस। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप में ड्रॉप टेबल कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड में क्या होता है कि पहले तो सारी रोज डिलीट होती हैं, देन टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। सो टेबल इज कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस, बट वेयर एज इन द ट्रंकेट ऑल रोज आर डिलीटेड, ठीक है। तो ट्रंकेट कुछ रिजेंबल्स टू डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। तो क्या होगा, सारे रोज डिलीट हो जाएंगे। ट्रंकेट क्या करता है, तुम्हारा डेटा खाली कर देता है टेबल से, एंड ड्रॉप क्या करता है, पूरा का पूरा टेबल हटाता है विद द टेबल सिग्नेचर एंड द टेबल डेटा, रोज ऑफ द टेबल, रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू में और क्या क्या पूछा जा सकता है। लाइक तुमसे ऑल्टर टेबल पूछा जा सकता है, ऑल्टर टेबल के सारे वेरिएशंस पूछा जा सकता है, जाके वीडियो में देखो अगर तुम्हें याद नहीं है। ऑल्टर टेबल, ऐड कॉलम, ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है, और मॉडिफाई टाइप, प्राइमरी की ऐड करना, फॉरेन की ऐड करना, ठीक है, इसी तरह से ऑल भी ऑल्टर टेबल के वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं। देन तुमसे किसी भी टाइप के क्वेरीज पूछी जा सकती है, क्वेरी इन द सेंस सिलेक्ट क्वेरी, एंड तुम्हें डेटाबेस का स्कीमा डिज़ाइन करना भी करने के लिए भी बोला जा सकता है। लाइक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बोल दिया, एंड देन यू हैव टू डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर स्कीमा इन द इंटरव्यू एंड एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम।